Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. We have done visit letter pattern so many times, but it's always when new students are there. Like if you are listening to my YouTube channel for the first time, so you are listening to it for the first time. And being a teacher, it is my responsibility that every day I teach, it should be a fresh start. So for the students who have recently joined Dr. BKM Institutes, as well as for the students who have recently joined us on the YouTube. So it is my responsibility that even if I feel bored, even if I feel monotonous, I need to repeat it. Like any great player, any great cricketer, any person in this world repeat his job. So it is my duty as well to repeat. At the same time, being students, it is your responsibility as well to repeat. Don't get bored. It is the coaching of 1 or 2 months. Repeat it, clear it in one shot. If you will repeat your listening, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसको बार बार सुनोगे तो पेपर रिपीट नहीं करना पड़ेगा. सो प्लीज डू नॉट गेट बोर्ड. लेटर लिख रहे हो आप पेडिटिशियन को, राइट अ लेटर रेफर लेटर टू डॉक्टर ऑफ हेडमैन. अब सबसे पहली चीज आप सब ये कर सकते थे जो काफी बच्चों ने किया अभी, डॉक्टर डॉट जो भी दे रखा है एफ गोल्डमैन. जब आप एड्रेस लिख रहे थे तो आपको यहाँ पे पेडिटिशियन वर्ड डाल देना चाहिए था ऊपर से उठा के. अगर आपको ये पक्का पता लग गया था ये पेडिटिशियन है तो आप ऐसे डाल सकते थे पेडिटिशियन, फिर बाकी एड्रेस आ जाता 171 विक्टोरिया परेड ईस्ट मेलबर्न, ऐसे आपका एड्रेस पूरा हो जाता. फिर आराम से आप लिखते डेट, टूडेज डेट जो लास्ट की डेट होती है वो टूडे होती है, तो शायद आज की है 30th, मैं देख लेता हूँ एक बार, 30th January 1990, तो आपको ऐसे लिखनी होती है. किसी ने आज 2090 भी लिखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे याद भी नहीं है, मुझे गलत चीजें याद नहीं रहती, तो आप बेफिक्र रहो जिन्होंने लिखा था. तो ऐसे लिखा आज का लेटर में, मैम 2090 ज्यादा हो गया 1990. सो दैट इज हाउ प्लीज बी केयरफुल इन राइटिंग दीज थिंग्स. फिर आराम से डियर सर मैडम, फिर रिगार्डिंग, फिर बंदे की एज. सो सबसे पहले लास्ट विजिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लास्ट विजिट में आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है यानी कि पर्पस ऑफ द लेटर. सो यहाँ पे दे रखा है, ये गलती से दे रखा है पेशेंट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक, नहीं पेशेंट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन हमें ये पढ़ना है कि पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, उसके एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि उसको असेस किया गया है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर, यानी किडनी फेलियर के चांसेस हैं, अर्ली रीनल फेलियर है और उसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस हुआ है. और इसके साथ साथ बता रहे हैं पेडिटिशियन को लेटर लिख रहे हैं, तो ये आपको समझना है पेडिटिशियन को लेटर लिख रहे हैं और क्या है, और बस ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के लिए. देखो बस इतना सा, इसके अलावा आपको कुछ भी पता नहीं होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के लिए. और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के बेस पे है, सिम्टम्स भी हैं पेशेंट को. तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ को कैसे लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ शुड ओनली बी ऑफ पर्पस, ओनली बी ऑफ पर्पस, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, प्लीज मेक इट एज इजी एज पॉसिबल. सो जस्ट राइट दिस लेटर, और प्लीज एक ही बारी में कर लेना. जो बच्चे मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, प्लीज पुरानी विजिट के बारे में मत लिखो. दिस लेटर इज बीन रिटन रिगार्डिंग मास्टर, इसमें पेशेंट का नाम है जेमी ब्राउन. तो जब भी, ये भी बात अच्छे समझ लेना, जब भी पेशेंट 18 ईयर से नीचे होगा तो आपको फर्स्ट नेम लिखना है. इसमें एज है 5, तो यानी हमें फर्स्ट नेम लिखना है. नॉर्मली हम हमेशा सेकंड नेम लिखते हैं, पर इस लेटर में फर्स्ट नेम लिखना है. सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसी चीज के आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएंगे. दिस लेटर, जब भी 18 ईयर से नीचे है तो फर्स्ट नेम, तो पेशेंट का नाम है जेमी ब्राउन. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मास्टर जेमी हु प्लीज आराम से हैज बीन असेस्ड विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर ऑन द बेसिस ऑफ, कोई फुल स्टॉप नहीं कुछ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट सिम्टम्स या ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स. हेंस, बिल्कुल सिंपल, प्लीज कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं. हेंस He is being referred under your expertise on
अर्जेंट बेसिस, खत्म फर्स्ट पैराग्राफ। इसके अलावा प्लीज कोई ओवर एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं दी होगी तो आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट साइंस एंड सिम्टम्स, बस। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। आज ही समझ लेना इस पैटर्न को प्लीज, ताकि बार बार तंग नहीं होना पड़े। उसके बाद आराम से फर्स्ट विजिट लिखो, ऑन फर्स्ट विजिट, हमेशा इजी करो। द बेबी, अब द बेबी लिख दिया तो आपको नाम नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि द का मतलब है सेम बेबी, बेबी जैमी। ऑन फर्स्ट विजिट, या फिर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है, द पेशेंट हैड या फिर मास्टर जैमी हैड, जो भी उसको कंप्लेंट्स की, हैड हस्की वॉइस एंड जो भी था उसको। इसके साथ प्लीज समझो अलोंग विद दैट, फुल स्टॉप लगा के, ही वाज फेब्राइल। यहां पे आपको मेरे को दूसरी चीज पढ़ानी थी, एंड इरिटेबल। जो पर्सन खुद होता है उसके लिए वॉज वर्ड लगता है, प्लीज इस बात को भी अच्छे समझ लो। वो खुद फेब्राइल था और इरिटेबल था, इसके साथ वर्ड लगता है ही वॉज। जैसे होता है ना ही वॉज नाइस, वैसे ही वो फेब्राइल था, ही वॉज फेब्राइल। तो इन वर्ड के साथ वॉज लगता है, तो ये कभी भी इसके साथ नहीं जा सकते, मास्टर जैमी हैड फेब्राइल एंड इरिटेबल, कभी हैड के साथ नहीं जाएगा, ना ही विद के साथ जाएगा कि ही वॉज एडमिटेड विद फेब्राइल एंड इरिटेबल, ऐसे कभी नहीं आएगा। आपको इस लाइन को रुकना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा अलोंग विद दैट ही वॉज फेब्राइल एंड इरिटेबल। अगर आप इकट्ठा चलना चाहते हो, मास्टर जैमी हैड हस्की वॉइस एंड Had husky voice, fever and irritability. तो ये वो चीजें हैं जो had के साथ लगती हैं। जब आप irritable को irritability बनाते हो, febrile को fever बनाते हो, तो master Jamie had fever, master Jamie had irritability. तो ये word ऐसे जा सकते हैं, master Jamie had husky voice, fever and irritability. लेकिन again better यही है, husky voice along with that He was febrile, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वेरिएशन आती है राइटिंग में। लेकिन ये नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो, बस गलत नहीं होना चाहिए। फिर ऑन एग्जामिनेशन he was found with passive voice, वो हमारे द्वारा पाया गया, तो ये पैसिव वॉइस होता है, was के साथ थर्ड फॉर्म। जब आप एक्टिव में लिखते हो तो सिंपल लिखते हो had, he was, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाना होता है तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। ऑन एग्जामिनेशन ही वॉज फाउंड विद जो भी था, एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स अलोंग विद एक्सुडेट, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी। अगर इसके अलावा कुछ और भी था ऑल्सो, ही वॉज हैविंग जो भी उसको, एनलार्ज्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जो भी था आप लिख सकते हो। एग्जामिनेशन भी हो गया, सिम्टम्स भी पता लग गए, साइंस भी, हमेशा यहाँ पे कनेक्टर लगाओ, hence he was diagnosed with tonsillitis. प्लीज देखो कितना फ्लो में जाता है, क्योंकि ये सिम्टम थे, ये साइन थे, इसलिए हमें लगा कि tonsillitis है, जिसके लिए कनेक्टर लगाओ, दोनों तरफ कोमा, फॉर विच, अच्छे से कनेक्टर लगाओ, फॉर विच ही वॉज डायग्नोज विद tonsillitis, फॉर विच जो भी मेडिकेशन वॉज गिवन, जो भी आपने दिया। एक इम्पोर्टेंट बात ऑल्सो, अब ये बच्चा है, ये अपने आप वापिस नहीं आ सकता, अपने आप वापिस नहीं आ सकता, ही वॉज एडवाइज टू कम बैक फॉर रिव्यू, ना ना, ऑल्सो हिज मदर वॉज एडवाइज। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आप बेस्ट हो, प्लीज समझो, उसकी मदर को एडवाइज किया गया है हमारे द्वारा, एंड ऑल्सो हिज मदर वॉज एडवाइज टू ब्रिंग हिम बैक फॉर रिव्यू, ऐसे लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो रिव्यू वाली लाइन को, उसकी मदर को एडवाइस किया गया टू ब्रिंग हिम बैक फॉर रिव्यू। फिर उसके बाद सेकेंड विजिट, यानी टू डेज बैक, इस वाले लेटर में आज 28
28 जनवरी को वो वापिस आया था और 18 जनवरी को शायद वापिस आया था, हम देख लेते हैं एक बार जाके लेटर पे। तो प्लीज लेटर को समझो, आराम से लेटर के हिसाब से लिखो। मैंने फर्स्ट विजिट में सिर्फ कितना डाटा यूज किया और फर्स्ट पैराग्राफ में बस इतना, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में, आप समझो प्लीज। फिर सेकंड पैराग्राफ आराम से फ्लो में ये बनाया, ऊपर दे रखा है अपनी मदर के साथ आया, तो मतलब मिस्टर हैड सोर थ्रोट एंड हस्की वॉइस, ऑल्सो ही वॉज फेब्राइल एंड इरिटेबल। अगर ये वाली लाइन लिखनी है तो सिंपल, हिज टेम्परेचर वॉज, बिल्कुल सिंपल लिखो ना, हिज टेम्परेचर वॉज 39 डिग्री। And he had large infected tonsils with exudate. Further, he had enlarged cervical nodes as well. So he was assessed with tonsillitis. Penicillin ये वो बिल्कुल simple. फिर उसके बाद जब वो वापिस आया, यानी आज की डेट है 30th जनवरी, यानी वो दो दिन पहले वापिस आया 28th को. So on 28 जनवरी, प्लीज आराम से लिखो, 1990 द बेबी वॉज प्रेजेंटेड अगेन। इस चीज के पॉइंट्स लो कि पैसिव वॉइस, एग्जामिनर को बताओ कि बेबी अपने आप नहीं आ सकता, उसकी मम्मी के द्वारा लाया गया पैसिव वॉइस, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, इसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। जब बेबी का लेटर आएगा तो वॉज प्रेजेंटेड के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। द बेबी वॉज प्रेजेंटेड अगेन एंड हिज मदर रिपोर्टेड दैट ही हैड ब्राउन यूरिन 4 days अगो। कोई वर्ड चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी चेंज, देखो क्योंकि आपने ये इंग्लिश बना दी, ओईटी को सिर्फ ये इंग्लिश चाहिए। एंड हिज मदर रिपोर्टेड दैट He had brown urine 4 days ago. इसके साथ साथ रिपोर्ट किया, फर्दर शी रिपोर्ट दो बार लिखोगे इससे अच्छा इन्फॉर्म लिख दो, फर्दर शी इन्फॉर्म्ड दैट द बेबी वॉज टायर्ड एंड लिथार्जिक एज वेल। एज वेल लगाना आपके लेटर को सूदिंग कर देता है, देखो कितना अच्छा बन गया। नो वाले वर्ड लिखने नहीं, फिर सिंपल। अब आपको दोबारा ऑन ईएनटी एग्जामिनेशन द बेबी वॉज फाउंड विद टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी। अब आराम से देखना कैसे चलेगा, हिज यूरिनालिसिस रिवील्ड मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, सो He was suspected with। ये बात इस लेटर में कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, तभी मुझे ये लेटर दोबारा करवाना पड़ा। जब आपको दो डायग्नोसिस दे रखी हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी या तो उसको ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। सो ही वॉज सस्पेक्टेड विद आइदर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस, इसके बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, और यूटीआई। तो पहले तो हमें लगा जी टॉन्सिलाइटिस है, फिर जब पेशेंट दोबारा आया तब हमें लगा यार ये तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस भी हो सकता है या तो फिर इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब इसके लिए जब हम सस्पेक्टेड है तो क्या करेंगे, फॉर विच, इसी के साथ लिखो, फ्यू इन्वेस्टिगेशंस वर एडवाइज्ड। देखो अब कितना अच्छा बन गया, जरूरी नहीं है इस लाइन को ही पहले लिखना है, इसको लिखो ना, फॉर विच फ्यू इन्वेस्टिगेशंस वर एडवाइज्ड Which included, अगर आप ऐसा वर्ड लिख दो तो बात ही बन जाए, Which included urea, creatinine and electrolytes check. Also, ASOT level ASOT was also suggested. Also दो बार आ रहा है, बस नहीं तो ऑल्सो मत लिखो, बस फुल स्टॉप, ASOT वॉज ऑल्सो सजेस्टेड, तो भी जज जाएगा। देखो कितना अच्छा और कितना आसान, अगेन प्लीज पढ़ के देखो, तभी मैं कह रहा हूँ प्लीज आज ये लेटर समझ लेना ताकि आपको विजिट लेटर में दिक्कत ही ना आए।
बिल्कुल फ्लो में चलता है, पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखना, पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतना। अब जब लास्ट पैराग्राफ आएगा, अब ये लास्ट पैराग्राफ टुडे, टुडे को देखे क्या, टुडे को प्रेजेंट में हमेशा, टुडे ही इज स्टिल सिम्टोमेटिक, ये गलत दे रखा है, तो प्लीज अभी भी उसको सिम्टम्स है, ये कहना चाहते हैं। अगेन मैं भी तो कह रहा हूँ ना, मैं भी तो बार बार लिख रहा हूँ ना आप सबके लिए, प्लीज आप भी अपने लिखिए कीजिए, एंड ऑन एग्जामिनेशन की जगह असेसमेंट, ऑन बीइंग एग्जामिन्ड लिख देते हैं, बार बार एग्जामिनेशन वर्ड लिखेंगे तो इससे अच्छा एंड ऑन बीइंग एग्जामिन्ड, ही वॉज की जगह बन जाएगा ही हैज बीन फाउंड, बस दैट इज द मेन डिफरेंस। अगेन प्लीज जब आप ये लिखोगे, मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे, साथ साथ लिखना, तो पास्ट में होता है पैसिव वॉइस के लिए ही वॉज फाउंड विद, बस प्रेजेंट में वॉज का बन जाता है ही हैज बीन फाउंड विद, कोई फर्क नहीं है, बस प्रेजेंट में हैज बीन लग जाएगा, ही हैज बीन फाउंड विद। कुछ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑन बीइंग एग्जामिन्ड, यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं ये वर्ड यूज करूं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड हिज यूरिनालिसिस, अब वहां पे था शोड, तो यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, हैज शोड, एक्टिव में सिर्फ हैज लगाना है, प्रेजेंट में ले आना है, मैक्रोस्कोपिक ह्यूमचेरिया, लेकिन ये तो पहले भी शो किया था, तो इसको शोड की जगह अगर दोबारा शो किया है तो कंफर्म्ड कर देते हैं मैक्रोस्कोपिक ह्यूमचेरिया, ये आपकी फर्स्ट लाइन क्या है। फिर हिज यूरिया क्रिएटिनिन एंड एएसओटी हैव इंक्रीज्ड, हमेशा एक्टिव में बढ़ गए हैं। सो प्रोविजनल, ये नया वर्ड है, प्लीज पहले ये अकेली लाइन है जो रिपीट होगी, जब आपने शुरू में लिखा था ही हैज बीन असेस्ड विद, तो ये अकेला वर्ड है जो रिपीट होगा, सो अकेली डायग्नोसिस, सो प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ ये वाले वर्ड्स रिपीट होंगे, पोस्ट स्टेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विथ अर्ली रीनल फेलियर, ये रिपीट होंगे पक्का, सो प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ दिस हैज बीन मेड, यानी जो पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हो He has been assessed with, वहां पे आ जाएगा so provisional diagnosis of this has been made, बस खत्म, कॉमा for which, मैंने कहा है for which के दोनों तरफ कॉमा, your expertise is highly required, खत्म। अगेन सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर है, मैं आपको बता नहीं सकता आज मैं कितना monotonous फील कर रहा हूँ इसको लिखते हुए, लेकिन फिर भी मुझे ये काम करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब पास हो, तो आपको सुनने में बिल्कुल एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको तो इतना कम पढ़ना है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, टायर्ड इनफ टू टीच द सेम थिंग, बट मेरी सक्सेस के लिए आपको पढ़ाना जरूरी है और आपकी सक्सेस के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बी के एम इंस्टीट्यूट, आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 7696734256। Please listen to this recording 5-10 times. You will never face any problem in visit letter. That is my promise. Thank you so much. Because ये visit letter सिर्फ visit letter नहीं है, इसमें baby को ला रहे हैं, तो passive voice भी है, the baby was presented, the baby has been presented, इसमें ये सब चीजें भी हैं, इसलिए ये letter बहुत important है आपके सीखने के लिए, तो please listen to it 5 times. Thank you.